मध्य प्रदेश के नए सीएम मोहन यादव ने सत्ता संभाली है। एक के बाद एक मुख्यमंत्री मोहन यादव कड़े फैसले ले रहे हैं। 13 दिसंबर को मोहन यादव को राज्यपाल मंगू भाई पटेल ने सीएम पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा शामिल हुए थे। वहीं इस मौके पर पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान भी नजर आए थे। पिछली सरकार में शिक्षा मंत्री रहे मोहन यादव मुख्यमंत्री बनने के बाद एक्शन मोड में हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या मोहन यादव बीजेपी हाई कमान के इस फैसले को सभी ठहरा पाएंगे, क्योंकि मध्य प्रदेश को संभालना उनके लिए आसान नहीं होने वाला है। सीएम बनने के बाद मोहन यादव का पहला काम कैबिनेट का गठन करना होगा। अब इसके लिए उनके पास कई चुनौतियां भी होंगी। पार्टी में कई वरिष्ठ नेता हैं जिन्हें सीएम बिल्कुल भी नाराज नहीं करना चाहेंगे, पर सवाल ये है कि इन सब के बीच कैबिनेट विस्तार में सभी को साधना एक बड़ी चुनौती बनने वाली है। वहीं बीजेपी की जीत में सबसे ज्यादा अगर किसी की चर्चा हो रही है तो वो है लाडली बहना स्कीम, जिसका फायदा बीजेपी को एमपी के विधानसभा चुनाव में मिला है। चुनावी वादे में लाडली बहना स्कीम को लेकर भी बीजेपी ने बड़ा ऐलान किया था। ऐसे में सीएम मोहन यादव के सामने ये भी चुनौती होगी कि वो इस वादे को पूरा करें। ऐसा इसलिए भी है कि लाडली बहना स्कीम को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री रहते हुए जनता तक पहुंचाया था। अब अगर इसमें एमपी सरकार फेल होती है तो दिक्कत नए सीएम मोहन यादव को भी हो सकती है।